पलामू में आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ बंदी का व्यापक असर, मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित। पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ विभिन्न संगठनों के आह्वान पर किए गए बंदी का व्यापक असर देखा गया। इस बंदी के कारण आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे स्थानीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बंद के चलते नेशनल और स्टेट हाईवे पर वाहन परिचालन पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे यात्रा में बाधा आई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर एम्बुलेंस की आवाजाही भी प्रभावित हुई, जिससे चिकित्सा सेवाओं पर भी असर पड़ा। बंदी को सफल बनाने के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन के लोग सड़क पर उतरे। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सहित कई राजनीतिक दलों ने इस बंदी का समर्थन किया। मैं काम करता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, नहीं जाने दिया जा रहा है। बताइए हम लोग हाजिरी कैसे बनाएंगे? बायोमेट्रिक सिस्टम हाजिरी बनता है, हाजिरी नहीं बनेगी तो हम लोग को वेतन कट जाएगा। हम लोग कैसे करें, क्या करें? अभी दवा लेने गए तो दवा लेने भी नहीं जा सके, सामान पर रोक दिया गया। फिर यहाँ आया कि जाकर के ऑफिस होकर के निकलेंगे, फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग क्या करें, परेशान है इस बंदी से, परेशानी है हमारे साथ, जनता के साथ परेशानी है। कुछ जगह तो देखे कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया है, सामान पर अभी एम्बुलेंस को रोका गया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बसंत कुमार चौधरी हुआ। परेशानियाँ हो रही है भारत बंदी में, बहुत परेशानियाँ हैं। कैसी परेशानियाँ को सामना कर रहे हैं आप? जाम में फंसे हुए हैं, कहाँ जाना था नहीं जा पा रहे हैं जाम की वजह से। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कब तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा? भारत बंदी कब तक आप लोग कायम रखेंगे? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लिए गए निर्णय के खिलाफ ये भारत बंद का आह्वान आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा आयोजित है। आज जहां आप देख रहे हैं कि वहां शांतिपूर्वक और तमाम लोगों के समर्थन से बंदी का ऐलान किया गया है और वो आज अमल में है। इस बाबत विभिन्न संगठन के लोगों, राजनीतिक संगठन के लोगों ने भी समर्थन दिया है। दुकानदार भाई, विभिन्न संस्थान का भी समर्थन प्राप्त है। वो इसलिए कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ये लोगों को पसंद नहीं है, इसमें बदलाव चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जमाने से बना आरक्षण नीति को कायम रखना और उसको और मजबूत करने के दिशा में ये बंदी बुलाई गई है। मेरा नाम मुमताज अहमद खान, आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्टी विधानसभा से तरासी थाना क्षेत्र गुरा गांव का निवासी हूँ। ये बंदी के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हुई है, उसके लिए क्या कर रही है? हम लोगों ने पूर्व में ही 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किए थे और आपका मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र और सभी तरह से हम लोग सूचना दिए थे कि आज भारत बंद है। बहुत सामाजिक संगठन, बहुत ही राजनीतिक दल हम लोग आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति तत्थान में समर्थन किए और सारे लोग से हम लोग अपील किए थे हाथ जोड़कर। आज हम लोग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एसी एसटी ओबीसी का आरक्षण में ग्रीन ईयर वर्गीकरण जो किया गया है उसके खिलाफ में 21 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहेगा और हम लोग का कहना है यही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्थान में हम लोग कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि चौकीदार का बेटा चौकीदार नहीं बनेगा, यह वंशवाद है और इसी क्वालिज्म सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं। हम क्वालिज्म सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं और न्यायिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बहाल करना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को नई अनुसूची में डालना चाहते हैं, यही हम लोग का मांग है। बंदी के लेकर के लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हो रही, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम एम्बुलेंस, पत्रकार और जो है बच्चे का गाड़ी, सब हम लोग फ्री रखे हैं। बाकी बात सबसे हम लोगों ने हाथ जोड़कर समर्थन मांगा है, आप लोग हम लोग को समर्थन मिल नहीं रहा है। नाम संदीप पासवान, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष। किस चीज का विरोध कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं भारत बंदी का, क्या कहेंगे इस पर? आज भारत बंद है, उसका राष्ट्रीय जनता दल
माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जी का नेतृत्व में, ठीक है, और पलामू जिला धनंजय पासवान जिला अध्यक्ष उसके नेतृत्व में पूरे हम लोग आज बंदी का समर्थन दिए हैं। पूरे पलामू और पूरे झारखंड, पूरे भारत आज बंद है। आज जो तानाशाही मोदी सरकार का जो है कोलेजियन सिस्टम का जो है तानाशाही है, एसटी एससी के जो खिलाफ इन लोग चल रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल भारत बंद का पूरा समर्थन करता है। भारत बंद में बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हो रही है, उसके लिए क्या परेशानी है? जहां एम्बुलेंस का मामला है, जहां बच्चे हैं, ठीक है, पत्रकार लोग हैं, उन लोग को हम लोग छूट दिए हुए हैं और बाकी हम लोग शांतिपूर्ण जो है ढंग से हम लोग बंद करा रहे हैं। सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी अपनी प्रतिष्ठान, अपनी अपनी दुकान सारे लोग बंद रखें और बंद में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। नाम धनंजय पासवान जिला अध्यक्ष राजद। समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। पूरे भारत में आरक्षण में वर्गीकरण हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ओबीसी, फिर एससी, एसटी, यह केंद्र सरकार के जो नीति चल रहा है यह ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए बहुत ही घातक विषय है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और आरक्षण बचाव संघर्ष समिति का हम लोग पूरे राज्य में, जिला में, देश में समर्थन किए हैं और इसके लड़ाई के लिए हम लोग रोड पर, सड़क पर उतरने का काम किया है और आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के साथ हम लोग हर समय हैं। आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम विजय चंद्रवंशी, जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बनाम।